हेलो, स्वागत है आपका इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है लर्न एट। लर्न करना है तो लर्न एट पर ही। हम लोगों को एग्जाम से बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलते हैं जिनकी स्पेलिंग्स कॉमन होती हैं या फिर उनका प्रोनंसिएशन एक जैसा होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को वो क्वेश्चंस बनाने में या सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही टर्म्स लेकर के आया हूँ जो एक तरह से प्रोनाउंस करते हैं या जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन अलग अलग लोकेशंस पर इनका मीनिंग अलग अलग होता है। ये अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, सिमिलर टर्म्स इन बायोलॉजी। तो बच्चों, यहाँ पर जो पहला टर्म मैंने लिया है दैट इज़ द रेनिन एंड रेनिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला रेनिन जो है इसकी स्पेलिंग है RENIN रेनिन, और इस रेनिन का मतलब होता है इट इज़ ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये एक क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स। ये बच्चों किस में मिलता है, इन्फेंट्स में मिलता है। और ये रेनिन क्या करता है बच्चों, ये मिल्क में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके उसको किस में बदल देता है बच्चों, पैरा केसिनेट में बदल देता है। किस में बदल देता है, इट कन्वर्ट्स केसिन इनटू पैरा केसिनेट। वहीं पर अगर इस रेनिन की बात करें हम लोग, RENIN वाले रेनिन की बात करते हैं, तो इट इज़ ए हार्मोन सिक्रीटेड बाई अवर किडनी। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी किडनी से निकलता है एंड दिस रेनिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। यानी ये क्या करता है, इट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर। वहीं पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो अगला यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग टर्म्स आते हैं उनमें अगला टर्म मैंने लिया है प्रोटीन्स एंड प्रायोन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन आप सबने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ एमाइनो एसिड। ये क्या होते हैं, ये एमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। दीज आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ एमाइनो एसिड्स। अब बात समझिएगा, प्रायोन्स भी प्रोटीन ही है। नॉर्मली प्रोटीन इन्फेक्टिव नहीं होता, ये इन्फेक्शन नहीं कॉज करता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स देखे गए हैं जो बीमारी कॉज कर देते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज कर देते हैं। ऐसे डिजीज कॉजिंग प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं प्रायोन्स। इनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दीज आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या कॉज करता है, इट कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस अगर हम लोग बात करें कैटल्स में, तो कैटल्स में ये क्या कॉज करता है, कैटल्स में ये कॉज करेगा मैड काउ डिजीज। क्या कॉज करेगा, मैड काउ डिजीज। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में ये क्या कॉज करेगा, जैकब क्रूजफेल्ट डिजीज। तो ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला टर्म यहां पर जो हम लोग ले सकते हैं दैट इज वायरस एंड वायरियंस। अगर बात करते हैं वायरस, तो वायरस जो होता है इट इज बेसिकली द न्यूक्लियो प्रोटीन। ये न्यूक्लियो प्रोटीन दैट इन्फेक्ट्स होस्ट सेल। न्यूक्लियो प्रोटीन दैट इन्फेक्ट्स होस्ट सेल, ये होस्ट सेल को इन्फेक्शन करता है। और वायरियंस क्या होते हैं बच्चों, ये वायरस ही होते हैं लेकिन आउटसाइड द होस्ट बॉडी। दीज आर द वायरसेस या वायरस आउटसाइड द होस्ट। जब वायरस होस्ट के बाहर होता है तब बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरियन कहते हैं। उसके बाद अगला आता है वायरस एंड वायरसॉइड्स। वायरस एंड वायरसॉइड अगर हम लोग बात करते हैं वायरस और वायरसॉइड्स की, तो वायरस क्या होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं दैट कॉजेज इन्फेक्शन। ये इन्फेक्टिव होते हैं यानी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। वायरसॉइड्स भी होते वायरस ही हैं लेकिन इनको इन्फेक्शन करने के लिए किसी दूसरे वायरस की आवश्यकता पड़ती है होस्ट में जाने के लिए। दे रिक्वायर्स अदर
वायरस टू एंटर द होस्ट, ये होता है वायरस वाइप। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इंजाइम एंड राइबोसाइम की। इंजाइम क्या होते हैं बच्चों? इंजाइम्स आर द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होते हैं, या फिर हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, दे आर बायो कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इंजाइम्स यूजुअली ये कैसे होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, यूजुअली प्रोटीन्स। लेकिन कभी कभी ऐसी भी चीज़ें देखी गई जो प्रोटीन ना होते हुए भी बायो कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं राइबोसाइम। राइबोसाइम क्या है बेटा? वेन न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये किसकी तरह जब काम करे? कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो इसको हम लोग राइबोसाइम बोल सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आता है बच्चों 23SRRNA एंड इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये किसमें मिलता है? ये आपके प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड राइबोसाइम। अच्छा, उसके बाद आता है कार्डियक एंड कार्डियक। देखिए स्पेलिंग एकदम सिमिलर है दोनों की, तो एक कार्डियक का मतलब होता है, ये कार्डियक जो है इसको हम लोग मान सकते हैं इट इज द पार्ट ऑफ स्टमक। ये स्टमक का वो पार्ट होता है जिसमें ओएसोफेगस खुलता है, इन विच ओएसोफेगस और फूड पाइप ओपन्स, जहां पर ओएसोफेगस या फूड पाइप खुलता है वो कार्डियक कहलाता है। और दूसरे कार्डियक का मतलब होता है बच्चों इट इज द मसल्स फाउंड इन अवर हार्ट, या फिर हम लोग इनको लिख सकते हैं मसल्स ऑफ हार्ट। हार्ट मसल्स को भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कार्डियक मसल्स कहते हैं। उसके बाद अगला आता है बेटा हीमोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन। अगली चीज क्या आती है यहाँ पर? हीमोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन। अगर हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन हम सबको बहुत बार हम लोग ने पढ़ा होता है कि इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन केस ऑफ मैमल्स या एनिमल्स के केस में, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। जैसे ह्यूमंस है, हम लोगों में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं हीमोसाइनिन की, अब बात समझिएगा हीमोसाइनिन क्या है। इट इज कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज फाउंड इन आर्थोपोड एंड मोलस्क। ये कैसा होता है? ये भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बट इट इज कॉपर कंटेनिंग। ये आपका कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, इट इज द कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज फाउंड इन, ये किसमें मिलता है बच्चों? आर्थ्रोपोड्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में और मोलस्का के मेंबर्स में भी ये मिल सकता है। इट इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। तो इस तरह से हम लोग हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन के अंतर को समझ सकते हैं। है दोनों ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ट्रांसपोर्ट दोनों ही गैसेस का करने वाले हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन ह्यूमंस में या एनिमल्स में ज्यादा मिलता है। ठीक है, एनिमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स वगैरह में मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं हीमोसाइनिन की, तो हीमोसाइनिन वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो किसमें मिलता है? आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में मिलता है। इसमें कॉपर भी पाया जाता है। उसके बाद अगला आता है बच्चों फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। इसमें क्या अंतर होता है देखिए, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन की बात करते हैं तो फाइकोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो आपको मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गी। फाइकोसाइनिन किसमें मिलता है? इट इज द पिगमेंट फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज द पिगमेंट फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनो बैक्टीरिया। वहीं अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी, फाइकोएरिथ्रिन की बात करें तो ये ऐसा पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी के साथ हमारे रेड एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, दैट इज रोडोफाइसी, इट इज द पिगमेंट फाउंड इन रेड एल्गी। ये किसमें मिलेगा बच्चों? रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी में मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है देखिए सिस्टीन एंड सिस्टाइन।
सिस्टीन और सिस्टाइन बच्चों दोनों ही क्या है, एमिनो एसिड्स हैं। क्या है? दोनों ही एमिनो एसिड्स हैं। अब देखिए सिस्टीन क्या है, सिस्टीन इज ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। ये क्या है बच्चों, इट इज ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। ये बच्चों एक सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है जिसको हम लोग सिस्टीन कहते हैं। हालांकि एक और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है जिसको हम लोग मिथियोनिन भी कहते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग बात सिस्टीन की कर रहे हैं। दूसरा मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन सिस्टाइन लिख दिया है। सिस्टाइन जो होता है ये कैसे बनता है, जब दो सिस्टीन आपस में जुड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सिस्टाइन कहते हैं। तो व्हाट इज सिस्टाइन, इट इज टू सिस्टीन ज्वाइंड बाय ए डाइसल्फाइड बॉन्ड, ज्वाइंड बाय ए डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टाइन कहते हैं। तो आई होप सिस्टीन और सिस्टाइन में आप अंतर समझ गए होंगे। है ये दोनों ही एमिनो एसिड्स, ये दोनों ही प्रोटीन के मोनोमर्स हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज ये दोनों ही एमिनो एसिड्स है, चाहे सिस्टीन हो चाहे सिस्टाइन। लेकिन सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है और सिस्टाइन जो है ये ऐसा एमिनो एसिड है जो दो सिस्टीन के जुड़ने से बनता है। और ये कैसे जुड़ते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। उसके बाद बच्चों अगली चीज आती है एमिनो एसिड एंड इमिनो एसिड। अंतर देखिए कोई नहीं है एमिनो एसिड और इमिनो एसिड में। इमिनो एसिड भी अपने आप में एमिनो एसिड ही है, बस नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का जो एडिशन है इससे थोड़ा सा मामला इधर उधर होता है। एमिनो एसिड में क्या, अगर हम लोग बोल सकते हैं दे आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन हैविंग एनएच टू ग्रुप। यहां पर एमिनो एसिड में कौन सा ग्रुप मिलता है, मोनोमर हैविंग एनएच टू ग्रुप। और इमिनो एसिड क्या होते हैं बच्चों, दे आर द एमिनो एसिड्स विद NH ग्रुप। बस यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, NH2 की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर NH हो जाएगा, एमिनो एसिड्स विद NH ग्रुप। और इमिनो एसिड के एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो प्रोलीन को। किसको याद रख सकते हैं आप बेटा, यू कैन रिमेंबर प्रोलीन। वही एमिनो एसिड क्या है, दीज आर द मोनोमर्स ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रोटीन्स विद एनएच टू ग्रुप। ये मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन विद एनएच टू ग्रुप जो है ये एमिनो एसिड है, और ऐसे एमिनो एसिड जिसमें एनएच लगा होता है उनको हम लोग इमिनो एसिड कहते हैं। अब अगला आता है जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, डीएनएज एंड डीएनएज। अगर ये डीएनएज इस तरह से लिखा है तो इट मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ डीएनए है। ये क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ डीएनए। वहीं पर अगर बात करते हैं इस वाले डीएनए की, आगे एएसई लगाए तो इट इज बेसिकली ए डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या है बच्चों, ये एक डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है। वहीं पर इसी तरह से आरएनएज और आरएनएज है, ये आरएनएज प्लूरल फॉर्म है और ये आरएनएज क्या है, ये आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। इट इज ए आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। उसके बाद बच्चों और आगे जब बढ़ते हैं तो अगली चीज यहां पर आती है पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम इज द मेम्ब्रेन अराउंड हार्ट, ठीक है, या कैविटी जो है वो पेरिकार्डियम है, ठीक है। वहीं पेरिटोनियम की बात करते हैं तो दिस पेरिटोनियम इज फाउंड अराउंड द लंग्स। ये किसके द्वारा, ये किसको घेरता है, लंग्स को। वहीं पेरिकार्डियम किसको घेरता है बच्चों, हार्ट को घेरता है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग तो अगली चीज आती है बच्चों प्लास्मोडियम एंड प्लास्मोडियम। अगली चीज क्या आती है बेटा, दैट इज प्लास्मोडियम एंड प्लास्मोडियम। तो देखिए एक प्लास्मोडियम हम लोगों को पता है कि इट इज ए मलेरियल पैरासाइट। ये एक तरह का क्या है बच्चों, ये एक तरह का मलेरियल पैरासाइट है, यानी ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक। वहीं दूसरा प्लास्मोडियम ये जो है, इस शब्द का प्रयोग हम लोग किस किस केस में करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स के केस में करते हैं, जो एक प्रोटिस्ट है। होता क्या है बच्चों, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, जब अच्छी परिस्थितियां रहती हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है,
स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं बच्चों, ये एग्रीगेट कर जाते हैं, यानी एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्मोडियम कहते हैं, और ये इकट्ठा होकर के कई फीट को कवर कर सकते हैं। दे मे ग्रो अप टू सेवरल फीट, मे ग्रो अप टू सेवरल फीट। उसके बाद बच्चों जब आगे आते हैं तो अगली चीज आती है इलियम एंड इलियम। अगर हम लोग बात करते हैं इस इलियम की, आई एल ई यू एम वाले इलियम की बात करेंगे बच्चों, तो इट इज द पार्ट ऑफ अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, एंड दिस आई एल ई यू एम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वहीं अगर बात करते हैं आई एल आई यू एम वाले इलियम की, तो आई एल आई यू एम वाला इलियम जो है बच्चों, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन। ये कॉक्सल बोन का भाग है, यानी कि तीन हड्डियां होती हैं बच्चों, एक होता है इलियम, दूसरा होता है इस्कियम और तीसरा होता है बेटा प्यूबिस। ये तीनों फ्यूज करके क्या बनाती हैं, कॉक्सल बोन बनाती हैं। तो ये आई एल आई यू एम वाला जो इलियम है ये कॉक्सल बोन बनाने में हेल्प करता है। अगला देखिए मैंने लिया है आपके लिए थाइमीन। थाइमीन क्या है बच्चों, थाइमीन इज ए टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। ये एक तरह का क्या है बच्चों, नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक। अच्छा, और ये जो थियामीन है, थियामीन इज द केमिकल नेम फॉर विटामिन B1। विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, थियामीन कहते हैं। अच्छा, तो थायमीन एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, यानी जो किससे पेयरिंग करता है, एडिनिन से पेयरिंग करता है, यानी ये क्या है, एक तरह का पिरिमिडीन है। इट इज अ टाइप ऑफ पायरी मिडीन, ये एक तरह का पायरीमिडीन है। और वहीं थियामीन क्या है, ये वाइटामिन B1 का केमिकल नेम है। अगली चीज आती है बच्चों टिटनस एंड टिटनी। अब देखिए टिटनस क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये कैसी डिजीज है, इट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है विच इज कॉज्ड बाई ए बैक्टीरियम नोन एज क्लास्ट्रीडियम टेटनी। ये किससे होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से होता है। वहीं पर TETANY टेटनी जो है, इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। यहां पर मसल्स बच्चों क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, एट जाती हैं, लॉक जॉ हो सकता है, यानी जबड़े की मसल्स एकदम जाम हो जाएंगी, तो इसको लॉक जॉ कहते हैं। अगली चीज यहां पर जो है बच्चों, दैट इज वेस्टिब्यूल एंड वेस्टिब्यूल। एक वेस्टिब्यूल हम लोग कहते हैं बेटा द स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ, और दूसरा वेस्टिब्यूल जो होता है बेटा, इट इज द डिप्रेशन इन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये किसके लिए यूज होता है, इट इज बेसिकली द डिप्रेशन इन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसके बाद बच्चों जब आगे बढ़ते हैं तो अगला टर्म यहां पर हम लोग ले सकते हैं वूला एंड वल्वा। वूला क्या होता है बच्चों, वूला जो होता है हमारे माउथ में पीछे की तरफ क्या होता है कि एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर लटकता रहता है, जिसको हम लोग वूला कहते हैं। और ये क्या करता है बेटा, इट क्लोजेज इंटरनल नेयर्स, ये क्या करता है, इंटरनल नेयर्स को क्लोज करता है ड्यूरिंग किस समय, ड्यूरिंग स्वेलोइंग। ये खाना निगलते समय बच्चों हमारे इंटरनल नेयर को क्लोज करता है, और ये बना होता है डबल इनफोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारा सॉफ्ट पैलेट जो है पीछे, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ है, और यही म्यूकस मेम्ब्रेन जो है पीछे की तरफ जाके डबल इनफोल्डिंग्स बनाती है, और जिसको हम लोग कहते हैं वूला। और ये वूला जब हम लोग खाना निगलते हैं तो हमारा ये एक्सटर्नल लेयर्स, यानी इसी तरह से अंदर की ओपनिंग है इंटरनल लेयर्स, ये उसको बंद कर देती है, वरना हो सकता है खाना जो हम लोग निगल रहे हैं वो हमारे नाक से बाहर आ जाए, ठीक। चलिए अगला आता है वूला। वूला
सॉरी वल्वा, वल्वा की अगर बात करते हैं बेटा, तो वल्वा इज द टर्म कलेक्टिवली यूज्ड फॉर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज द कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। जैसे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पेनिस कहते हैं, वैसे ही फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग वल्वा कहते हैं। और बच्चों लास्ट टर्म जो है हमारा, दैट इज येलो स्पॉट एंड येलो बॉडी। येलो स्पॉट कहाँ पाया जाता है बच्चों? इट इज फाउंड इन आई। ये कहाँ पर मिलता है? इट इज फाउंड इन आई एंड इट इज द एरिया फॉर ब्राइटेस्ट विजन या बेस्ट विजन, यहाँ पर सबसे अच्छी इमेज बनती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? येलो स्पॉट कहते हैं। और येलो बॉडी का शब्द बेटा किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर कॉर्पस ल्यूटियम। ये किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर द कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है बच्चों, ये कैसे बनता है? दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड बाय द रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है बच्चों, इसके लिए हम लोग येलो बॉडी शब्द का भी प्रयोग करते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स ए येलो पिगमेंट। यहाँ पर एक येलो पिगमेंट होता है जो इसको येलो कलर इम्पार्ट करता है, दैट पिगमेंट इज नोन एज ल्यूटीन पिगमेंट। इस पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूटीन पिगमेंट कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे या कन्फ्यूजिंग टर्म्स थे बायोलॉजी में, उनको काफ़ी टर्म्स को मैंने कवर करने की कोशिश की। अगर आपको भी ऐसे ही कोई टर्म्स पता है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये सीरीज़ डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली है। और अगर यही क्लास नोट्स जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, ये आपको नोट्स के फॉर्म में या PDF चाहिए, तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस। आप इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमको टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे जो भी नोट्स आपके पास आएंगे मैं यहाँ पर क्लास में दूंगा, वो नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें।